أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله واللعنة الله على عداء مجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب الشهلي لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم عجل لوليك الفرج Respected brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله، Thank you very much for joining. सबसे पहले आप सब की खिदमत में पंद्रह माह रमजान इमाम हसन मुशतबा की विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ साहबा को जानो कि इस सीरीज के एपिसोड 15 में आज हम जिन दो असहाब कराम का जिक्र करने जा रहे हैं वो है जनाब सफवान जम्माल और जनाब फुजैल बिन यसार जनाब सफवान जमाल के बारे में है कि वह कूफे से थे और उनका जो है कैमल्स का बिजनेस था मतलब उनके पास कई सारे कैमल्स और उन कैमल को भाड़े पे देते दे थे उनको जो है हायरिंग पे देते थे ताकि लोग जो है उसे यूज करें और जो है उनको जहां भी सफर पे जाना है या जहां भी ट्रैवल करना है तो इनके कैमल्स को वो हायर पे लेकर अपने ट्रैवल पर जाते थे और वापस जो है आकर उनको कैमल देते थे, थे और उनको उसके पैसे देते थे एक बार हमारे साथवे इमाम इमाम मूसे काजिम्सम ने जनाब सफवान से पूछा है सफवान क्या तुम खलीफा हारून रशीद को भी हारून अब्बासी को भी जो है रेंट करते हो तो जनाबा ने कहा हाँ लेकिन सिर्फ मैं उसे मक्के जाने के लिए देता हूँ बाकी उसके दूसरे परपजेस के लिए मैं उसके उसे नहीं देता हूँ तो इमाम ने कहा क्या तुम ये विश करते हो क्या तुम ये तमन्ना करते हो क्या तुम ये सोचते हो कि वो जो है सही सलामत मक्का से वापस आ जाए ताकि तुम्हारे तुमको तुम्हारा भाड़ा यानी तुम्हारा जो रेंट है वो भी मिल जाए तुम्हारे एनिमल्स भी मिल जाए तो जनाब सफवान ने कहा हाँ मौला तो इमाम कहते हैं जो शख्स जालिमों के सर्वाइवल की डिजायर रखता है वो जो है उनके साथ शुमार किया जाएगा इमिजिएटली सफवान जम्माल जिनका नाम ही है ऊँटो मतलब जिनका ऊँटों का बिजनेस है जनाब ने जमाल ने इमीडिएटली अपने सारे कैमल्स बेच दिए जब हारून को यह पता चला तो हारून ने कहा कि अगर तुम्हारे और मेरे रिलेशन अच्छे नहीं होते तो मैं तुमको जो है कत्ल करवा देता नकुश्मत में जो है अलामा जीशान हैदर जवादी लिखते हैं कि हदीसे जो जियारत वारिससा ज़ियारत अरबइन और दुआ अलकमा की जो आई है वो जनाब शफ़ान जम्ाल के थ्रू आई है और जनाब सफवान जम्ल हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सदकाम को जो है मदीना से कोफ़ा कई मरतबा लेकर जाते थे और अमीर इमाम अलीबन अबी फालम के रोज़े पर भी जो उनकी कब्र है उनकी भी वो जियारत करते थे दूसरे जो सहाबी कराम जिनके आज हम जिक्र कर रहे हैं वो है जनाब फ़जैल बिन यसार जनाब फुजैल बिन यसार की कुन्नीत अबुलकासिम थी और वो जो है हमारे छठे इमाम इमाम जाफर के खास में से थे उनको में भी कैलकुलेट किया जाता था तमाम ये कंसेंसस रखते हैं है है, अहदीसों को बयान करने की वो जो है कंफर्म है परफेक्ट है उसमें कोई डाउट नहीं है इमाम जाफर सादिकम जनाब फुजैल के बारे में ये कहते थे जो शख्स एक जन्नत के रहने वाले को देखना चाहता है वो फुजैल बिन यसार को देखे इस तरह के असहा कराम थे हमारे छठे इमाम के इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत है तो अगर आप इंटरेस्टेड है कि उनकी लाइफ के बारे में जाने तो ऊपर लिंक या नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं लिंक प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह दो माह रमजान पहले जो है मैंने रिकॉर्ड किया था इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत कोशिश करें कि उनकी विलादत है तो उनके बारे में जो है हम कुछ जाने إن شاء الله كلفير ملاقات كنّا دو ناي أصحاب کرام کی ستوري كي سات. Thank you very much for joining. وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صلّي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.